प्रणाली की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। पुनर्वास स्थल जो महेशपुरा है, हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ से भराड़ी फाके से होते हुए वो जाएगा। अच्छा, तो उसमें कुछ जगह तो कोई आपत्ति नहीं किसानों को, पर एक दो किसान आपत्ति लेने आए थे कल। हाँ। और हमारे कुंवर विजय शाह जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर गांव में रोड दे रहे हैं, उस क्षेत्र में बहुत विकास हो रहा है, उसके बाद कुछ किसानों को बुरा लग रहा है कि अब रोड बन जाएगा तो किसानों की फसल लाने ले जाने में सुविधा हो जाएगी, डामर रोड बन रहा है। हाँ, जो सरदार जी लेके आए थे कल जो है ना। हाँ, वो कोई लेके आए थे, तो अब हम मतलब रोड बनवाने वाले आए हैं। अच्छा, आप वो रोड रुकवाना चाहते थे? हम बनाना चाहते, हम सब सहमति करता आए हैं। कहाँ से कहाँ तक की सड़क है? वो है भराड़ी फाके से लेके महेशपुरा पुनर्वास स्थल है वहाँ तक। कितना किलोमीटर का? वो होगा 4 किलोमीटर करीब होगा। वो रुकवाना क्यों चाह रहे हैं? वो क्या है, वो मांग, उन्होंने मांग की है कि हमको मुआवजा दिया जाए वो जमीन जो जा रही है। पहले तो वो दो काखड़ लाइन है, बड़खाले ग्राम की, वहाँ से चल के रेवापुर और बेलवाड़ी, तीन ही काखड़ लाइन से पहले गोहा निकल गया है, पुनर्वास स्थल जाता है। अब वो पहले बन चुका रोड, अब उसका डामरीकरण मंत्री महोदय जी ने करा दिया है और बढ़िया रोड बन रहा है। एक बेलवाड़ी बन गया है, वहाँ से चल के गाँव के भी बन गए हैं। अब ये भी बन रहा है, ठेका भी हो गया, ठेकेदारी बढ़िया काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जबरन आपत्ति लगा रहे हैं। अच्छा, विकास में रोड़ा बन रहे हैं। अच्छा, वो सीन क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, दो चार पांच सात किसान जो, हाँ, वो क्या कह रहा है कि चौड़ा नहीं बने। अब चौड़ा तो बनना चाहिए, नहीं तो दो ट्रैक्टर कैसे निकलेंगे, उधर से आएगा इधर से जाएगा, अब दो आपस में कहाँ चौड़ीकरण होगा। कम से कम इतना तो बने, कम से कम दो ट्रैक्टर निकल जाए, हार्वेस्टर निकल जाए, बाइकें निकल जाए साइड से। पर उनका तो जो मेन सब्जेक्ट था वो मुआवजा था, उनका कहना था मुआवजा मिल जाए हमारा काम खत्म। मुआवजे की प्रक्रिया अलग है, लेकिन काम रोक के मुआवजा क्यों लेते हैं? काम रोक दिया क्या उन्होंने? हाँ, काम कैसे रोका उन्होंने? काम नहीं रोका है, रोकना चाहते हैं वो। अच्छा, आपत्ति लिए हो? आपत्ति लिए। और आप गांव वालों का कहना है कि रोड तो भाई मुआवजा लेना अलग प्रक्रिया, आप कैसे लगाओ कुछ भी करो, लेकिन रोड तो बनने दो। अच्छा, रोड बनाने को लेके आपत्ति ले रहे हैं मुआवजे के नाम पर? हम रोड बनवाना चाहते हैं। आप लोग रोड बनवाना चाहते हैं? सभी कौन से गांव के हैं? एक मिनट, कौन से गांव के हैं? महेशपुरा पुनर्वास। अच्छा, सब एक ही गांव के? बड़खाली के किसान भी है। बड़खाली, और तीसरा गांव कौन सा है? कौन है आप? कौन सा? नवलपुरा। अच्छा, नवलपुरा। और मैं नगर पंचायत उपाध्यक्ष हरसूद में हूँ, लेकिन मेरी जमीन वहाँ में खेती करता हूँ जी। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम द्वारका प्रसाद प्रजापति। अच्छा, नगर परिषद उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, उपाध्यक्ष हैं। कुल मिला के ये है कि रोड बनना चाहिए, हम सब चाहते हैं, और वो लोग मुआवजे के नाम पर रोड को रुकवाना चाहते हैं, इसलिए आपत्ति ले रहे हैं। मुआवजे की प्रक्रिया अलग है, उनको उसको उसमें जाना चाहिए, जबकि वहाँ से पहले रोड निकल चुका है। तो अभी क्या रोड खराब है? आगमन चालू है। अच्छा, लेकिन वो कच्चा है, डामरीकरण हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो डामरीकरण होने में थोड़ा सा चौड़ा होगा। अभी क्या 15 फीट 17 फीट रोड है, तो ज्यादा से 20-22 होगा बस, इतना होगा। कितने गांव के लोगों को फायदा होगा उस रोड से? उस रोड से 6 गांव के लोग हैं। 6 गांव के लोग खुद है, एक बड़खालिया, महेशपुरा और नवलपुरा, और भी टप्परों पे लोग जो खेतों में बसे हैं, वो किसानों को भी फायदा होगा। ठीक ठीक। और पुराने जो रोड थे वो इंदिरा सागर में डूब गए हैं, ये नया रोड होगा। आज आप कलेक्टर साहब को आवेदन देना है, मिलने आए हैं, और हमारे मंत्री जी की बहुत बहुत मेहरबानी जो उन्होंने स्वीकृत कराया है। बेलवाड़ी रोड भी हो गया है, महेशपुरा भी होने वाला है ये, और नवलपुरा भी काम चल रहा है, बमन गांव भी हो गया है। मतलब हमारे मंत्री जी रोडों को जाल बिछा रहे हैं, और जो छोटे से कुछ लोग बहुत आपत्ति ले रहे हैं। ठीक।